नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक टीवी और आपके साथ मैं हूं महावीर सिंह राजपुरोहित। सूरत की मुख्य खबरों के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। विद्यार्थियों की फीस माफी को लेकर विद्यार्थियों ने पिछले 8 महीनों से आंदोलन करते नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि वीर नर्मद यूनिवर्सिटी में 20-25% फीस माफी की घोषणा से विद्यार्थियों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे हैं। तमाम विद्यार्थियों ने सूरत में जेपन का विद्यार्थी होते हैं तमाम विद्यार्थियों ने फीमा राहत आपवामां आवे ते माटे तमाम विद्यार्थियों छेला 8 महीना थी लड़ाई आपी रह्या हता। तेना माटे अनेक आवेदन पत्रों रूबरू जईने अनेक लड़ाईओ विद्यार्थियों द्वारा आपवामां आवी हती, पण आखरे सिंडिकेटनी जे कुलपति मैडम छे तेमना द्वारा एक हकारात्मक अभिगम आपी सिंडिकेटनी एक बैठक बोलावामां आवी अने तेमां विद्यार्थियों ने फी राहत माटे एक चोक्कस प्रकारनो निर्णय आपवामां आव्यो, जेमां 35-40% जेटली फी विद्यार्थियों ने माफी आपवामां आवी। आथी अमे तमाम विद्यार्थियों आ जे निर्णय करवामां आव्यो छे तेने आवकारीए छीए अने तमाम विद्यार्थियों वीनेश जीव द्वारा लेवामां आवेला निर्णयनी साथे छीए। सूरत के वराछा विस्तार में शांति दूत महिला मंडल द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम की महिलाओं में मृत्यु दर, वृद्ध आश्रम महिलाओं ने शमशान में दी मुखाग्नि। आपको बता दें कि महिलाओं ने कंधे पर लेकर शमशान पहुंची, मुखाग्नि देकर किया अंतिम संस्कार। मारू नाम मधुबेन खेनी छे, शांतिदूत महिला मंडल वृद्ध आश्रम घड़ाघर। मारा घड़ाघरना माताजी ललिताबा आज रात्र देव थई गया छे। 10:30 એની શમશાન યાત્રા કાઢવાના છે, અને ખુદ હું એનો દીકરો બની અને હું કાંધ આપી માને અને 8મી માતાનું આ કાંધ આપું છું, અને શમશાનમાં જઈ અને બધી જ એની ક્રિયાવિધિ ટોટલ હું પૂરી કરીશ। મહાનગરપાલિકા કી લાપરવાહી આઈ સામને। આપકો બતા દે કી વરાસા મેન રોડ પર ગડ્ઢે કો કેવલ કંક્રીટ સે ભર દિયા ગયા, વાહન ચાલકો કો ઇસસે કાફી પરેશાની હો રહી હૈ। घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। माता के गर्भ में शिशु तभी सुरक्षित रह सकता है जब माता स्वस्थ रहती है, जिसके लिए केंद्र और राज्य किसानों के लिए सोइल हेल्थ कार्ड की योजना को लेकर किसानों ने सोइल हेल्थ कार्ड का लाभ लेना चाहिए। इस योजना में 80% किसान अभी भी वंचित थे। सोइल हेल्थ कार्ड एक गुजरात राज्य और भारत सरकार की एक फ्लेक्सिबल योजना है। इन अंदर खेडूतों माटी का नमूना राज्य सरकार केन्द्र सरकार की योजना मार्फत लई अने एनो एनालिसिस करवामां आवे छे। आज सोइल हेल्थ कार्ड छे एम जे आपणो कोई बीमारी थई तो आपणे एनालिसिस लोहीनो नमूनो आपीने एनालिसिस करीए तो आपणने जे बीमारीनो डायग्नोसिस थाय अने खबर पड़े कि एना अंदर आपणने शुं बीमारी छे, शुं प्रश्नो छे, ए ज वस्तु जमीननी तंदुरस्ती जाळवी होय तो आ एना माटेनो हेल्थ कार्ड छे। सरकार द्वारा जमीन टेस्टिंग ने माटे सोइल हेल्थ कार्ड आपवानी जे વાત થઈ રહેલી છે, પ્રોગ્રામ ચાલી રહેલો છે, પણ હજી સુધી દરેક ખેડૂતો સુધી આ પહોંચ્યું નથી। મોટે ભાગે 20% જેટલા જ ખેડૂતોના હજુ હેલ્થ કાર્ડ, સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ મળી રહેલા છે, ત્યાં બાકીના ખેડૂતોને સત્વરે મળવું જોઈએ તો જમીન બગડતી અટકે। અને સરકારશ્રીની જે નેમ છે કે ભાઈ બમણી આવક કરવાની તો આવા ખર્ચા ઘટીને બમણી આવક તરફ વધી શકાય, પરંતુ એ બાબતે આળસ ચાલી રહેલી છે। હજી 80% જેટલા ખેડૂતોને આ બાબતે કોઈ જાણકારી મળી નથી। બાકી તમામ ખબરો કે લીએ દેખતે રહીએ ઇન્ડિયા દસ્તક ટીવી ઓર હમારે ચેનલ કો લાઇક સબસ્ક્રાઇબ કરના ના ભૂલે।